हेलो दोस्तों, कैसी हो? मुझे लग रहा है बहुत अच्छे हो। कोई भी ओके। ये मसूर का दाल भिगा के रखने के बाद मैंने सिलपट्टा में पीस लिया था। प्याज, लहसुन, चाट मसाला, मैगी मसाला, गरम मसाला सब कुछ डाल दिया। डालने के बाद मैंने लाल लाल पकौड़ा बनाया। अब आलू डाल के इसका सब्जी बनेगा। ओके, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए। जब दाल खाने की मन नहीं करेगा तो इस टाइप का दाल का पकौड़ा बना के आलू डाल के सब्जी जरूर बनाइए आप लोग। ओके, अभी मैं भी पकौड़ा डाल रहा हूँ। ओके, मुझे हिंदी नहीं आता यार, मैं बंगाली हूँ एक्चुअली। अगर मैं गलत बोलूँ इसकी वजह से आप लोग सॉरी। ओके, मुझे अच्छे तरफ हिंदी नहीं आता, लेकिन मैंने हिंदी चैनल कैसे खोला, बंगाली चैनल खोलता। कोई बात नहीं, आप लोग दोस्त हो, अगर गलती हो जाए तो आप लोग कर लेना मैंने तो। ओके, मसूर का दाल को भिगा के रखना, उसके बाद पीसना मिक्सी में या सिलपट्टा में। उसके बाद इस टाइप का पकौड़ा बनाना। उसके बाद आलू लंबे लंबे काट के मैं बनाऊंगी, आप लोगों को ऐड जरूर करूँगी। अब पकौड़ा ही दिखा रही हूँ मैं एक्चुअली, डाल रहा हूँ अभी पकौड़ा को। कुछ चाय के साथ खा लेगा और कुछ सब्जी बनाना। दाल ना रोज रोज अच्छा नहीं लगे, बोर हो जाते, लेकिन इस टाइप का